उफ्रो के मधु पराड जो एक टीचर है, उन्होंने पेंशन के मुद्दे को लेके बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने कहा कि दत्ता मामा के आश्वासन पर उन्होंने 68 दिन का आंदोलन स्थगित किया और उस वक्त उन्होंने हर डिपार्टमेंट को लेटर दिए और उसमें साफ तौर पर चेतावनी भी दी थी कि अधिवेशन के पहले जिन्हें पेंशन मिलना चाहिए उस पर निर्णय नहीं लेते तो हम फिर से आंदोलन चालू करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि एक सबसे पहली भीख मांगो आंदोलन करेंगे। वजह है सरकार का ध्यान आकर्षित करना। इन्होंने आगे कहा कि जिस तरह पहले उन्होंने शांतिपूर्वक उपोषण किया था लेकिन उससे कोई नतीजा सामने नहीं आया। इन्होंने साफ तौर पर सरकार को कहा कि ये झोल नीति बंद होनी चाहिए। आगे कहा कि अगर अभी भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भूख स्वरूप आंदोलन होगा, फिर जेल भरो आंदोलन होगा, उसके बाद रेलवे को रोकेंगे, उसके बाद रेल के ट्रैक्स पर सोएंगे। इन्होंने आगे कहा कि कोई भी व्यक्ति घर में नौकर भी रखता है तो महीने के अंत में उसे पगार दिया जाता है, जबकि हमने तो सरकार की नौकरी की है तो हमारा हक हमें मिलना ही चाहिए। सभी ओफ्रो वर्कर्स की बस एक ही मांग है कि जिन हजार वर्कर्स को पेंशन नहीं मिली उन्हें हर हाल में पेंशन तत्काल तौर पर मिले, उनके अधिकारियों को सरकार समर्थन करे और जल्द से जल्द सभी पेंशन धारकों को पेंशन दे ताकि ये लोगों को राहत मिल सके। सभी अधिकारियों का यही कहना है कि जब तक उन्हें पेंशन नहीं दी जाती तब तक वो आजाद मैदान में धरना देते रहेंगे और सरकार से निवेदन करते रहेंगे। अब नतीजा क्या आता है, इन्हें क्या जवाब मिलता है, सरकार की तरफ से ये सुनना और देखना बाकी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज चैनल। इस समय हम मुंबई आगरा मैदान में उपस्थित है जहाँ पर कई महीनों से ओफ्रो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन के कार्यकर्ता लगातार अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम आपको बता दें कि लगातार इससे पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हुए उसमें ओफ्रो से घनश्याम हेडव जी और दयानंद कोली जी, नरेश काबरे जी और सभी कार्यकर्ताओं ने बार बार सरकार से निवेदन किया कि जो पेंशन धारक है जिन्होंने अपनी सेवा उन्हें में दी है उन्हें उनका पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं आधार मैदान में काफ़ी भीड़ इकट्ठा है और ये सभी लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन उन्हें दी जाए, लेकिन अब तक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमारे साथ ओफ्रो के एक साथी है जो ऑन द वे फ्रॉम नागपुर से आए हैं और वो काफ़ी समस्या को लेकर काफ़ी दिल्ली भी है कि नहीं हुआ, हम उनसे बात करेंगे। वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। अभी आपके सहकर्मी ने हमें बताया कि आप ऑल द वे नागपुर से आए हैं और अभी भी पेंशन का इशू आपका नागपुर से आई है मैडम, नागपुर से आई है, नागपुर महानगर पालिका की शिक्षिका थी, रिटायर्ड हो चुकी है। रिटायरमेंट के बाद में आपके सामने सब आंखों देखा सब है, क्योंकि एक रिटायरमेंट के बाद में एक रुपया भी नहीं मिला, ना जीएम का पैसा मिला है, ना किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिला है। और पैसा न मिलने के बारे में अपनी मस्ती कैसे चलाएगी। आज उनका बच्चा देखिए आपके सामने मौजूद है, एक अपंग बच्चे को महीने में कितना खर्चा लगता है उससे आप सामने जानकारी। अगर आज आप दवाखाने में जाते हैं तो 1000 रुपये कैसे चले जाएंगे, साजिश ही बीमारी है, ये तो बच्चा जो व्यवस्थित चल नहीं पाता। भैया मैडम अपने बच्चे का निर्वाह कैसे करेंगे, ये बच्चे को अगर वो निर्वाह नहीं करते तो स्थिति कैसे होगी, वो खुद का निर्वाह नहीं कर सकते, बच्चे की निर्वाह नहीं कर सकते। अगर सरकार जिस तरह से करेगी तो बच्चे को बचाएगा।
जबकि सरकार महिलाओं को जो आश्रय देने संरक्षण देने उनको आगे बढ़ने के लिए उनको आगे बढ़ने के लिए योजनाएं बना रही है और अपन को भी तो कई योजनाएं बनाई लेकिन ये अपन की माँ अपन को पीछे नहीं है। एक अपन का महिला एक अपन बच्चे का कैसा व्यवहार है ये सरकार से मेरा प्रश्न है। इसलिए मेरी विनती है कि अभी आपको नहीं मालूम पड़ा जो हमको कहा गया था ये अहवाल सादर कर दिया गया कि एक समिति बनी थी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी थे उनका पेंशन के बारे में उनकी सेवाओं के बारे में क्या निर्णय लेते हैं उसकी समिति बनी थी। समिति उन्होंने कहा था कि हमने अहवाल सादर कर चुका है लेकिन अभी हमको मालूम पड़ा इस समय रमेश यादव पाटिल ने मुद्दा उठाया कि आगे ज़्यादातर बच्चे बैठ नहीं पाते तो जब हमने उसको उठाया गया तब पता चला मुद्दे का जवाब दिया गया कि अभी तक अहवाल सादर मंत्रिमंडल में नहीं हुआ। मैडम ये बच्चे की आयु कितने वर्ष की ये बच्चा कितने साल का है और इन ओके 19 साल की है तो ट्रीटमेंट के लिए आप नागपुर में इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे और समस्या होने के बाद आज आप आपका ऑपरेशन बताया हाँ एक महीने में आ गया था। मैडम आप लोगों को काफ़ी महीनों से टेंशन नहीं मिली आपको कितनी तकलीफ होती है आपकी बच्ची की तकलीफ किस तरह आपको पता नहीं। आज आप लोगों ने आज़ाद मैदान में भीख मांगो आंदोलन प्रदर्शन रखा था इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मांगे पूरी होना चाहिए सब अपना घर दार छोड़ के यहाँ बैठे हैं तो सबको घर है सबका परिवार है सब अपने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ आए हैं। मैं इस कंडीशन में आई हूँ इसलिए कि बच्चा मेरा रहता चाहिए मुझे उसको लाना पड़ा क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं इस कंडीशन में मैं उसको लेकर आई हूँ। धन्यवाद मैडम। आपको मैडम आज आप लोगों ने भीख मांगो आंदोलन रखा था उसकी वजह क्या थी? क्योंकि रिक्ता मामा बर्मे जी ने आप लोगों को 22 दिसंबर का आश्वासन दिया था उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों को आज़ाद मैदान में आना पड़ा? देखिए जब हमको आश्वासन दिया गया तो हमने जो 67 डेज का कुपोषण आंदोलन था उसको हमने स्थगित दी लेकिन उसी समय हमने हर डिपार्टमेंट को एक लेटर इशू किया था एंटी में ये हमने उनको चेतावनी दी थी कि भाई अगर आप लोग अधिवेशन के पहले हमारी मांगों को पूरा नहीं करते अधिसंघ का पद के जिन लोगों को डाला गया और जिनको पेंशन नहीं मिली उनको पेंशन लागू करने का आप निर्णय नहीं लेते और जो अधिसंख्यक पद है उसको रद्द नहीं करते तो हम आगे आंदोलन अधिवेशन में चालू करेंगे। तो हमने 22-28 तारीख तक यहाँ पर अधिवेशन अपना आंदोलन रखा है तो पहला आंदोलन आज हमारा भीख मांगो आंदोलन है इसके बाद में अलग अलग तरह से हमारा आंदोलन होगा क्योंकि हमें तो सरकार का ध्यान आकर्षित करना है क्योंकि जिस तरह से हमने शांतिपूर्वक उपोषण किया था लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि अधिवेशन हो गया लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुना गया जबकि अधिवेशन में ये बताएगा कि आपका अहवाल ही नहीं दिया गया जबकि हमको जब कुपोषण चल रहा था तब हमको पता था कि हमारा अहवाल सादर हो गया किसी दो लोगों की साइन होने की बाकी है साइन होने के बाद में मंत्रिमंडल में जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि ये झोल नीति बंद की जाए हम जो इतने दिनों से कुपोषण कर रहे हैं आज हम लोग यहाँ पर 22-28 तारीख का अब हम लोग यहाँ पर आंदोलन करने वाले हैं अभी भी हमारी शांतिता को ध्यान नहीं रखा गया उग्र स्वरूप का आंदोलन होगा उसके बाद में हमारा जेल भरो आंदोलन होगा हम लोग रेलवे रोकेंगे रेलवे की पटरी पर हम सोएंगे ये हम लोग आगे का करने वाले हैं क्यों क्योंकि ये हमारा अधिकार है। जब एक कोई भी व्यक्ति अपने घर में नौकर भी रखता है तो उसका महीना पूरा होने के बाद उसको पैसे दिया जाता है मैडम तो हमने तो सरकार की नौकरी की है जो सेवानिवृत्त लोग हैं 58 साल की उम्र के बाद में रिटायर्ड हुए 20-25 साल उन्होंने सेवाएं दी है मुफ्त में तो कोई पेंशन नहीं मांग रहा ना उसके बदले हमने सेवाएं दी उसका पैसा हमें चाहिए और वैसे भी ये नियम है सर्वोच्च न्यायालय का नियम है कि जो भी है जो भी कर्मचारी है उसकी कोई पेंशन रोक नहीं सकते तो जब ये निर्णय दिया गया तो ये रोका क्यों जा रहा है ये हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है इसलिए हमारे सरकार से विनती है कि ये हमारे
हमारी मांगों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उसके ऊपर निर्णय लीजिए और हमें उग्र रूप से बचाइए, क्योंकि जब किसी का दिमाग खराब होता है वो किस लैंग्वेज में बात करेगा और क्या करेगा इसका कुछ नहीं बता सकते, और अगर उग्र रूप धारण करता है और कोई जनमान की हानि होती है तो इसका पूरा असर किसके ऊपर होगा आप समझ सकते हैं। मैं बोलना नहीं चाहूँगी इस बात को, लेकिन अगर किसी को नुकसान हो, क्योंकि वैसे भी मानसिकता इतनी बिगड़ चुकी है, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, हम हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि नहीं भाई आत्महत्या मत करो, सरकार हमारी सुनेगी, सरकार इतनी भी अविश्वास मत करिए सरकार के ऊपर, कोई ना कोई हमारे लिए हल निकालेगी, लेकिन हम कब तक ऐसा बोलते रहेंगे, क्योंकि हमको भी डेट पर डेट दिए जा रही है तो हम भी ऐसा कब तक बोलते रहेंगे। अगर उनके बीच होता है तो ये उद्धारण होता है, इसलिए सरकार से मेरी विनंती है कि जल्द से जल्द हमें न्याय दिया जाए। सर आपका शुभ नाम? शिवानंद सारकर, आक्रोश घंटा का मैं राज्याध्यक्ष हूँ। सर जैसे कि आज आप लोगों ने भीख मांगो आंदोलन आजाद मैदान में किया है, तो ये क्यों किया है? रक्षा मामा बर्मी जी ने 22 तारीख का आश्वासन दिया था कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक आप लोगों को न्याय नहीं मिला और आज आप मजबूर होकर आजाद मैदान में फिर आए हुए, इसके बारे में हमारी जनता को क्या बताना चाहोगे? हमने 67 दिन यहाँ पे आंदोलन किया, काकड़ी उपोषण किया, उसके बाद दत्ता मामा भरनी जो है सामान्य प्रशासन विभाग उनकी तरफ है, राज्य मंत्री है, उन्होंने हमको लिख के दिया था कि तुम्हारा ये जो है प्रॉब्लम ये सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन और जो भी प्रॉब्लम है अधिशन के पद की वो जल्दी से जल्दी हम छुड़ाएंगे, तो फिर हमने उनको बोला था कि अधिवेशन शुरू होने के पहले आप जो करना है वो किया। आंदोलन आप लोगों का हुआ है, काफ़ी शर्म की बात है, सरकार आप लोगों को अनदेखा कर रही है, जो कि आप लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है, आप अपने अधिकार के लिए आजाद मैदान में आज इतने महीनों से मेहनत कर रहे हो ताकि अपने साथियों को जो आपकी समस्या है वो हल हो सके, लेकिन सरकार इसको अनदेखा कर रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए हम आज इधर जो भीख मांगो आंदोलन कर रहे हैं, सही मायने में हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, भीख यानी समझो सरकार को कुछ हमारे पास देने के उनके पास कुछ हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम भीख मांग के जो भी हमारा जो इधर इकट्ठा हुआ निधि है वो हम सरकार को देना चाहते हैं, जो कि हमारे तरफ से कुछ ना कुछ ले लो, लेकिन इतने लोगों को जो बिना पेंशन बैठे हैं उनको भूखमरे से मत मारो, यही हमारी ये हमारा कहना है। शासन ने अभी तो हमारे पास ध्यान दिया नहीं है, फिर भी हम ये सब हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। जब मेरा नाम दत्तात्रेय आनंद, मी ऑर्गनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन अप्रूव या राज्य संघटनेचा राज्य संघटक म्हणून या आझाद मैदानावर आजच्या आंदोलनामध्ये सामील झालेला आहे। 21/12/1900 शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीतील अनेक कर्मचारी अधिसंख्य पदावर वर्ग केले गेले होते, शासनाच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे अनेक अधिसंख्य वर्गावर वर्ग झालेले कर्मचारी निवृत्त झाले आणि या धक्क्यातून काही जीवानिशी सुद्धा गेले। जैसा देखा आपने साथियों यहाँ पे आजाद मैदान में धरना देने के लिए पूरे के जो ह्यूमन राइट्स अधिकारी है उनको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार उनको अनदेखा कर रही है, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है, उनका घर चलाना मुश्किल हो चुका है और सरकार उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। इस सबकी जिम्मेदार खुद सरकार है, क्योंकि सरकार ने जो जिम्मेदारी ली है उसको अनदेखा कर रही है। हम फिर मिलेंगे आपके साथ, यूँ ही हमारे चैनल से बने रहिए।